आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोले जाने पर प्रयागराज में बुद्धिजीवियों ने उठाई उंगली। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच यूपी में शराब की दुकानों को खोले जाने के बाद भले ही शराब के शौकीनों को राहत मिली हो, लेकिन कोरोना के कहर के बीच शराब और बियर की दुकानें खोले जाने के बाद शहर जिस प्रकार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की चैन टूटी है, उसको लेकर सरकार के निर्णय पर उंगलियां भी उठने लगी हैं। प्रयागराज में तमाम बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने सरकार के इस फैसले पर ना सिर्फ तंज कसा, बल्कि शराब के दीवानों को भी आड़े हाथों लेते हुए शराब और बियर की दुकान खोलने को समाज के लिए एक घातक कदम करार दिया है। आइए सुनाते हैं बाबा अभय अवस्थी बुद्धिजीवी जी ने क्या कहा। देश के अंदर नौटंकी ज़्यादा है और वास्तविक तंगी जो है कम है, लेकिन जो एक बात निकल के आ रही है निष्कर्ष कि विद्वान लोगों के अंदर, बौद्धिक लोगों के अंदर अब ये बहस चल गई है कि हमने 1.5 महीने या 45 दिन जो अपील की सोशल मीडिया में, आपके अखबारी मीडिया में, चैनल्स के माध्यम में कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लॉकडाउन का सम्मान करो, उनको अब अपने मुंह पर जो है वो अपने आईने में अपना मुंह देख रहे हैं कि क्या हमने ज़बरदस्ती जो है अपील की, सरकार ने जो है शराब को खोल दिया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ गई, लॉकडाउन लगभग ही नहीं भया कि देश के अंदर है, लगा कि आज देश के अंदर जो है कोई होली ऐसा त्यौहार हो रहा है, जश्न हो रहा है। तो ये जो हम जैसे बौद्धिक लोगों ने तमाम अपीलें की थी कि मुंह ढाके रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, सैनिटाइजर लगाओ, इसका मतलब ये है कि या तो सरकार जो है देश के लोगों को बेवकूफ़ बना कर रख रही है, डरा कर रख रही है, क्योंकि शराब लेने के लिए जो भीड़ उमड़ी है, अब उसका रिजल्ट तो 10 दिन बाद आएगा कि कौन कौन इन्फेक्टेड हुआ और कौन कौन गोलोकवासी होगा। लेकिन जिस तरीके से जो है क्रांतिकारी तरीके से लोगों ने जो है लॉकडाउन की धज्जी उड़ाते हुए और हज़ारों की संख्या में एक छोटी छोटी शराब की दुकान में लोग इकट्ठा हुए, उससे ये लग रहा है कि या तो सरकार हमको खामखा डरा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, नहीं कोरोना पकड़ लेगा और तुम मर जाओगे। उसमें से कई लोग मरे जो शराब लेने के लिए निकले। ये अभी 1 हफ्ते के अंदर परिणाम आने दीजिए। अगर जो है लोग ज़्यादा मरते हैं तब तो ये लगेगा कि सरकार ने खुद उनको जो है मौत के मुंह में झोंक दिया शराब खोल के। लेकिन अगर नहीं मरते हैं तो मोदी जी का जो मन की बात है जिसमें उन्होंने संदेश दिया, ताली थाली सब बजवाया, वो उसका जितना मजाक होगा इतना हास्यास्पद होगा उनका ये बयान। और हम जैसे लोगों का जो सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे थे, हम लोग खुद अपने आप को जो है ग्लानी में जो है डूबा हुआ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना। मैं अभय अवस्थी इलाहाबाद से। प्रयागराज में बुद्धिजीवियों ने कहा कि सरकार को राजस्व की इतनी ही चिंता थी तो 42 दिनों तक लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जाल में उलझा कर रखा ही क्यों गया। कोरोना के कहर के बीच ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सरकार को शराब और बियर की दुकानें अचानक खोलनी ही पड़ी। बुद्धिजीवियों ने पूछा कि क्या शराब की दुकान पर आने वाले ग्राहकों से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ेगा। इस दौरान यह भी कहा गया कि वैश्विक महामारी के बीच शराब से ज्यादा जरूरी उन गरीबों मजदूरों की मदद करना है जिनकी रोजी रोटी इस महामारी के चलते छिन गई है। इस बीच बुद्धिजीवियों ने अपील की कि समय रहते सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। आइए सुनाते हैं अरुण पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या कहा। हाँ, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था गिर गई, चल रही कि नहीं चल रही, एक बात। दूसरा सवाल, शराब ही एकमात्र जरिया बचा है पैसा कमाने का, और कोई जरिया नहीं बचा हुआ है। कोई और ट्रांसपोर्ट भी है, आबकारी विभाग पर आप सारा जोर दे रहे हैं, चाय की दुकान खुल नहीं रही है, शराब में नमकीन मिल नहीं रही है, शराब धड़ल्ले से बिक रही है। आप क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप जिस दिन से शराब खोला है उस दिन से 4000 केस और बढ़ गए, मृत्यु दर और बढ़ गई। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।
आप क्या राय है इसमें, क्या राय देना चाहते हैं सर, अपनी राय क्या देना चाहते हैं कि इस शराब बिकने से क्या नुकसान है, क्या फायदे हो सकते हैं या इलाहाबाद में? शराब बिकने से भारत सरकार का जो सोशल डिस्टेंस का मैसेज था वो मैसेज फेल हो गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दो गज की दूरी, दो गज की दूरी मुझको पूरे हिंदुस्तान में किसी शराब की दुकान पर नहीं दिखाई पड़ी। अगर आपने देखा हो तो बताइए आप, तो उससे क्या मैसेज गया? कोरोना से लड़ाई लड़ने निकले हैं कि कोरोना की मदद करने निकले हैं? आगे क्या लगता है कि इस पे आप इस तरह से शराब बिकेगी क्या यहाँ पर केसेस बोल सकते हैं प्रयागराज में? आज ही मरा एक आदमी, उसकी पत्नी मरने के कगार पे है। पहला एक आदमी तो आज मर गया, उसकी पत्नी मरने के कगार पे है। कल मरा रहा। हाँ, और अभी तक 3-4-5 केस थे, आज 13-14 केस हो गए, तो बढ़ते जा रहे हैं ना भैया। अरुण पाठक नाम है मेरा, इलाहाबाद की पत्रकारिता, सामाजिक राजनीतिक जीवन का 50 साल का इतिहास है मेरा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब